गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिंदी टॉपिक छोटे ए की मात्रा। ओपन योर बुक पेज नंबर 32, छोटे ए की मात्रा। विद पेंसिल बेटा, ठीक है, ओके। छोटे ए की मात्रा, जैसे नाम से क्लियर है, छोटे ए की मात्रा की आवाज़ छोटी होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी छोटी होती है, इसके वर्ड, जिस वर्ड पे ये छोटे ए की मात्रा लगती है उस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता, इसकी आवाज़ हल्की होती है, लाइट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ह, ह का छोटे की मात्रा, र, न, हिरन, इसको हिरन नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे हिरन, ठीक है। जो छोटे की मात्रा होती है वर्ड के बाद डाली जाती है, लेकिन बोलने में वर्ड के बाद होती है, लिखने में वर्ड से पहले होती है, ठीक है। जब हम सेपरेट करके वर्ड लिखते हैं तो हम बोलते हैं ह, ह का छोटे की मात्रा, र, न, हिरन। जब हम एक साथ इकट्ठा ज्वाइन करके लिखेंगे तो ह के आगे आएगी छोटे की मात्रा, ह छोटे की मात्रा, र, न, हिरन। नेक्स्ट है क, क को छोटे की मात्रा, त, त को आ, ब, किताब। ओके बेटा, सारे पीछे पीछे बोलो, क, क को छोटे की मात्रा, त को आ, ब, किताब, ठीक है। नेक्स्ट है च, च को छोटे की मात्रा, ड, र को छोटे की मात्रा, य को आ, चिड़िया, ठीक है। हमने इसको चिड़िया नहीं बोलना, चिड़िया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है म, म को आ, म को आ, ल को छोटे की मात्रा, श, मालिश। प, ह को छोटे की मात्रा, य को आ, पहिया। नेक्स्ट आ गया हिरन, हमने ऊपर भी पढ़ा, ह, ह को छोटे की मात्रा, र, न, हिरन। नेक्स्ट है नारियल, न को आ, र को छोटे की मात्रा, य, ल, नारियल। नेक्स्ट है क, क को छोटे की मात्रा, श, किश। म, म को छोटे की मात्रा, श, किशमिश। ओके बेटा, क्लियर है। छोटे की मात्रा की आवाज़ छोटी होती है, इसको हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते वर्ड को। जैसे नेक्स्ट भी उन्होंने दिया हुआ, देखो आगे, शनिवार का दिन था, ठीक है। राम किताब पढ़ रहा था, गरिमा चित्र बना कर लाई, हवा आई सर सर सर, चित्र उड़ गया फर फर फर, फिर चिड़िया उड़कर आई और चित्र उठाकर लाई, ठीक है बेटा। छोटे की मात्रा क्लियर है, कैसे करते हैं, छोटी ए की मात्रा की आवाज़ छोटी होती है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते। नाउ नेक्स्ट है बड़ी ई की मात्रा। अब छोटी की मात्रा की आवाज़ छोटी होती है, इसके ऑपोजिट बड़ी की मात्रा की आवाज़ जो होती है बड़ी होती है, लंबी होती है। इसे डिफरेंस आपको पता चलेगा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा की आवाज़ जो लंबी होती है इसको हम स्ट्रेस देते हैं, जैसे ल, ल को बड़ी की मात्रा, च, च को बड़ी की मात्रा, लीची, ठीक है। इसको अपन लीची नहीं बोल सकते, इसको लीची। ह को आ, थ को बड़ी की मात्रा, हाथी। ब, क, र को बड़ी की मात्रा, बकरी, ठीक है बेटा। क्लियर समझ लगी कि छोटी की मात्रा की आवाज़ छोटी होती है, बड़ी की मात्रा की आवाज़ बड़ी होती है, लंबी होती है, इसको स्ट्रेस देके बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट और एग्जांपल है, पढ़ो, म, म को बड़ी की मात्रा, त को आ, मीता। स, स को बड़ी की मात्रा, त को आ, सीता। च, च को आ, च को बड़ी की मात्रा, चाची। को आ की मात्रा तब भी स्ट्रेस दिया जाएगा, चाची। ग, ग को बड़ी की मात्रा, त को आ, गीता। च, च को आ, ब को एक बड़ी की मात्रा, चाबी। च, च को बड़ी की मात्रा, त को आ, चीता।
नेक्स्ट है ड, ड को आ, ल को बड़ी की मात्रा डाली, ठीक है, ड को भी आ डा, ल को बड़ी की मात्रा डाली, म को आ, ट को बड़ी की मात्रा माटी, म, म को आ, म को बड़ी की मात्रा मामी, ग, ग को आ, त को बड़ी की मात्रा गाती, म, श, ल को बड़ी की मात्रा मछली, न को आ, श, नाश, प को आ, त बड़ी की मात्रा नाशपाती। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? छोटी के बड़ी की मात्रा में क्या डिफरेंस, छोटी की मात्रा छोटी होती है, उसके वर्ड पे कम स्ट्रेस होता है, उसकी आवाज़ भी छोटी होती है, और बड़ी की मात्रा की आवाज़ भी लंबी होती है, और जिस वर्ड पे होता है उस वर्ड पे स्ट्रेस देके बोलना होता है। ओके बेटा, क्लियर है? इसको अच्छे से कॉपी पे राइट एंड नीट एंड क्लीन लिखना, ओके, और लर्न भी करना इस वर्ड को। ओके, थैंक।